राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। चुनाव करीब आते ही आरक्षण का जिन किसी न किसी रूप में सामने आने ही लगता है। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में अखिल भारतीय कोटा स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10% आरक्षण की घोषित की है। इस फैसले को भी इसी आलोक में देखा जा रहा है। यह बात और है कि इस प्रावधान का लाभ हर साल सिर्फ 5,550 छात्रों को ही मिलेगा, लेकिन सरकार के इस तरह के फैसलों का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं होता। पैरा, लंबे समय से देश की राजनीति आरक्षण के पक्ष और विरोध के बीच बटी हुई है। जात पात के आधार पर राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में रही है। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही विरोधी दल आशंका जता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जातीय आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की है। यह बात भी सही है कि आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि वह जाति आधार पर आरक्षण समाप्त करना चाहती है, पर भाजपा समर्थकों का एक वर्ग अपेक्षा करता रहा है कि योग्यता पर जात पात को तरजीह नहीं दी जाए। भाजपा और इसकी सरकार इस दिशा में न तो कोई कदम उठा पा रही है और न ही ऐसा कोई आश्वासन दिया है। एक बार बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातीय आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी की सफाई देने पड़ी थी। आखिरकार चुनाव में हार के लिए इस बयान को भी एक कारण मान लिया गया था। पैरा, यह बहस लंबे समय से जारी है और इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। आरक्षण के जिन को बोतल में बंद करने का जोखिम उठाने का साहस कोई राजनीतिक दल नहीं कर पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह सामाजिक असमानता बने रहना भी है। बहरहाल मेडिकल शिक्षा में आरक्षण की इस नई घोषणा के बाद आगामी चुनाव में समीकरणों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गए हैं। इस फैसले को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। चुनावी राज्यों में ओबीसी की संख्या ठीक ठाक है, प्रतीकात्मक ही सही, पर भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन सामाजिक बराबरी का लक्ष्य पाने के साथ देश को उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब शिक्षा हो या नौकरी एक ही लकीर पर खड़े होकर अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू होगी। तब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उनका हक जात पात की वजह से मारा गया। सामाजिक न्याय के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगता है अभी मीलों चलना बाकी है। पैरा, बैंक क्रेडिट ऋण आर्थिक विकास का एक मुख्य घटक है। हालांकि पिछले 2 सालों में बैंक क्रेडिट में गिरावट देखी गई। 2019-20 में बैंक ऋण वृद्धि दर 6.13% थी, जो 2020-21 में गिरकर 5.6% रह गई। महामारी के चलते
वर्ष 2020-21 में बैंक क्रेडिट के स्वरूप में भी बदलाव आया है। आमतौर पर बैंक कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रों को और व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन देते हैं। इस वर्ष सकल बैंक क्रेडिट में उक्त क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटी है। महामारी से पहले कुल बैंक क्रेडिट में उद्योग जगत की हिस्सेदारी 32-33% तक होती थी। उद्योगों में बैंक बड़े उद्योगों सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण देते हैं। 2020-21 में कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण की हिस्सेदारी घटकर 30% से कम रह गई। इसके क्या कारण रहे? RBI द्वारा जारी बैंक क्रेडिट आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक ऋणों में गिरावट का मुख्य कारण है बड़े उद्योग, जिनके ऋण न लेने के चलते कुल क्रेडिट में उद्योगों को ऋण की हिस्सेदारी कम रही। पैरा, बड़े उद्योग बैंकों से ज़्यादा ऋण नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे पूर्व में लिए गए ऋण का बड़ी राशियों में पुनर्भुगतान कर रहे हैं। उद्योगों द्वारा बकाया ऋण के पुनर्भुगतान करने के दो कारण है। पहला, उद्योग भविष्य के बारे में सशंकित है। व्यापारिक अनिश्चितता ने उन्हें नए निवेश के संभावित अवसर उपस्थित होने पर कम ऋण लेने की ओर प्रवृत्त किया है। वे पहले के ऋण चुका रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट में नकदी दिखा रहे हैं। दूसरा कारण है, बड़े उद्योगों का बैंक से ऋण लेने के बजाय बॉन्ड बाजार की ओर झुकाव। बड़े उद्योग बॉन्ड के जरिए प्राप्त फंड से बड़ी राशियों में ऋणों का बकाया चुका रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में शीर्ष 15 क्षेत्रों में कंपनियों ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के ऋण चुकाए हैं। बड़े उद्योगों द्वारा जहां बैंक क्रेडिट की मांग में कमी आई है, वहीं बैंक भी जोखिम उठाने से बचते हुए बड़े उद्योगों को ऋण देने से कन्नी काट रहे हैं, ताकि NPA गैर निष्पादित संपत्तियों से बचा जा सके। पैरा, इसके विपरीत 2020-21 में सूक्ष्म लघु व मझले उद्योगों की कुल बैंक क्रेडिट में हिस्सेदारी बढ़ी। सितंबर 2020 से मझले उद्योगों को बैंक ऋण में दहाई की संख्या में स्थिर बढ़ोतरी देखी गई। संभवतः महामारी के दौरान सरकार द्वारा MSME को प्रोत्साहन के चलते यह संभव हुआ है। महामारी के कारण आई मंदी के निराकरण के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, संचालनात्मक ऋण समस्याओं का समाधान करना व महामारी के चलते प्रभावित हुए व्यापार को पुनः शुरू करना है। इस स्कीम के तहत MSME को दिए गए ऋण की पूरी गारंटी वाले होते हैं। इसका उद्देश्य महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुए MSME को वित्त उपलब्ध करवाना था। परिणाम स्वरूप इस नीतिगत हस्तक्षेप से MSME क्षेत्र में ऋण मांग बढ़ी है। ट्रांस यूनियन, सिबिल और सिडबी की हाल ही जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में MSME को 9.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए, जबकि 2019-20 में यह राशि
6.8 लाख करोड़ थी। महामारी से परिवारों की आय में गिरावट आई है। लोगों को कर्ज लेकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। व्यक्तिगत ऋण में आई तेजी से यह स्पष्ट है। उन विराम